नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने किया आरसीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन। 98 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा आरसीसी रोड का निर्माण। दुर्ग शिवनाथ नदी में हुआ दर्दनाक हादसा, देर रात पिकअप बोलेरो के नदी में गिरने से हुई 5 लोगों की मौत, पुलिस जांच में जुटी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने G20 शिखर सम्मेलन के नियंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने को लेकर भाजपा पर किया हमला, कहा भाजपा को है इंडिया नाम से तकलीफ। अब खबरें विस्तार से। G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने को लेकर देश में तगड़ी बहस छिड़ गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत और इंडिया को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हमें राष्ट्रपति से निमंत्रण पत्र मिला है और अब तक हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से निमंत्रण पत्र मिलता था, लेकिन अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम से निमंत्रण पत्र आया है। भाजपा को इंडिया शब्द से तकलीफ है। संविधान में शुरुआत ही इंडिया से होती है। इस देश को भारत कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है। देखिए, हमने अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया। मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ, संविधान में ही लिखा है, वहां से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है, और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मूदी के भरत खंडे उस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है। अब आपको नाम से परहेज, यदि कोई आज इंडिया जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया। यदि कल के रोज यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? यदि कोई ऐसा संगठन बन जाए जो भारत हो तो क्या वो भी बदल देंगे? जशपुर जिले में पर्यटन स्थल घुमाने के बहाने बगीचा थाना क्षेत्र में लाकर बलरामपुर की शिक्षिका से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। शिक्षक दिवस के दिन महिला शिक्षक के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। रक्षाबंधन के दिन राजधानी के नजदीक मंदिर हसौद में इस तरह का कृत्य हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के नेताओं का खुलेआम अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, कानून और व्यवस्था की स्थिति जो है वो बद से बदतर हो गई। शिक्षक दिवस के दिन महिला शिक्षक के साथ में गैंग रेप होता है, सामूहिक बलात्कार होता है। रक्षाबंधन के दिन प्रदेश की राजधानी के नजदीक मंदिर असौद वहां पर इस तरह का कृत्य होता है। रक्षाबंधन के दिन वहां कृत्य हुआ, शिक्षक दिवस के दिन यहां कृत्य हुआ, और अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर है। प्रतिदिन चाहे वो हत्या हो, डकैती हो, फिरौती हो, लूटपाट हो, चैन स्कैनिंग हो, साइबर क्राइम हो, ये इस प्रदेश में आम बात हो गई। और सबसे बड़ी विसंगति ये है, सत्ता पक्ष के नेताओं का खुलेआम अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। छत्तीसगढ़ की जो भूपेश सरकार है, अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ का ग्राफ जो है देश के पहले नंबर में आ चुका है। अपराधियों को पकड़ने में देखिए, इस छत्तीसगढ़ में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया, ये उसी की परिणति है। अपराधियों को मुख्यमंत्री का और सत्ता पक्ष के मंत्रियों का, कांग्रेस के विधायकों का और सत्ता पक्ष के प्रभावशाली नेताओं का संरक्षण है, इसलिए इस प्रकार के कृत्य पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रहे हैं। ये तो जो जानकारी में है वो है, जो जानकारी में नहीं आया है उसे ऐसी घटनाएं बहुत सी जिसका रिपोर्ट थाने तक नहीं पहुंचा है। और इसलिए छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार के जमाने में अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आने वाले टाइम में
दुर्ग शिवनाथ नदी में हुए दिल दहला देने वाली घटना में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 5 लोगों में से 4 बॉडी मिली है और एक की तलाश जारी है। दुर्ग के शिवनाथ नदी में बीती रात हुए दर्दनाक हादसे ने सबका दिल दहला कर रख डाला। जी हां, बता दें कि ये बात मंगलवार की रात की है, जब 5 लोगों का परिवार रात को ढाबे से खाना खाने के बाद वापस लौट रहा था, तभी शिवनाथ नदी के पुराने पुल से गुजरते समय वाहन सीधा नदी में जा गिरा और एक दर्दनाक हादसे का सबब बन गया। बता दें कि इस दिल दहला देने वाली घटना में वाहन में सवार 5 लोगों में एक पुरुष, एक महिला और 3 छोटी बच्चियां थी। वही मामले की जानकारी लगते ही दुर्ग पुलिस और SDRF की टीम अल सुबह घटनास्थल पहुंची और नदी में गिरे वाहन और उसमें सवार लोगों की छानबीन करना शुरू कर दिया, जिसमें अभी तक 4 लोगों की बॉडी बरामद की जा चुकी है और एक बच्चे की तलाश जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी का नंबर CG07CN0860 बोलेरो पिकअप में मंगलवार करीब रात 12:30 बजे KGN ढाबा राजनांदगांव से खाना खाकर वापस बोरसी की ओर जा रहे थे। इसी बीच शिवनाथ नदी के पुराने पुल से नदी पार करते समय गाड़ी नदी में जा गिरी और इसमें सवार सभी लोग डूब गए। गौरतलब है कि इस घटना के बाद से SDRF और पुलिस की टीम सुबह से ही कार्रवाई कर गाड़ी और सभी बॉडी को निकाल रही थी, जिसमें मृतक ललित कुमार साहू, बोरसी निवासी कुमारी यश लक्ष्मी, कुमारी कुमुद तामेश्वरी देशमुख की बॉडी मिल गई है। वहीं कुमारी गरिमा की तलाश अभी भी जारी है। इस मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे विधायक अरुण वोरा, दुर्ग एडिशनल SP और SDRF के अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी। बहुत ही दुखद हादसा रात में हुआ है, एक परिवार का अंत हो गया। बोरसी निवासी हैं ललित कुमार साहू जी, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ। जो स्थिति देख रहा हूँ लगातार जो हादसे हो रहे हैं, इसके लिए CC कैमरे भी स्वीकृति दी जा चुकी है, उसको अब बिना देरी किए लगा देना चाहिए। बैरिकेड्स भी यहाँ पर बराबर होना चाहिए, ऊपर के पुल में भी, नीचे के पुल में, और पुलिस चौकी यहाँ पर रहे ताकि बराबर मॉनिटरिंग करती रहे। और ये जब तक नए इंतजाम नहीं हो जाते तब तक इस पुल को थोड़े दिन के लिए रोकना चाहिए। यहाँ पर रेलिंग्स हट गई है और रेलिंग्स नहीं होने के कारण ही बरसात में हटा दी जाती है, लेकिन इसको अब कैसे किया जा सकता है, इसको बहुत गंभीरता से प्रशासन को चिंतन करके ताकि ये हादसे लगातार जो हो रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। लगातार हो रहे हादसे का जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, ये हादसा जो हुआ है वो बहुत दुखद है। अब इसके लिए सरकार पूरी तरीके से व्यापक इंतजाम कर भी रही है। अगर इसमें, मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो काम करना चाहिए उसको अविलंब कर देना चाहिए, उसमें ढिलाई और कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ढिलाई और कोताही ही दुर्घटना का कारण बनती है। अब प्रशासन को इस दिशा में बहुत अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए कि ऐसा हादसा अब न हो। पहले भी भंसाली परिवार यहाँ पे ख़त्म हुआ था, उसके बाद भी यही बातें कही गई थी प्रशासन के द्वारा, लेकिन आज भी स्थिति जस के तस। कलेक्टर और SP को इसको संज्ञान लेना चाहिए। और ये बहुत बड़ा शिवनाथ नदी का पुल है, इस पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा कि इस दिशा में यहाँ प्रशासन को निर्देशित करें कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। जी सर, क्या आप नई जानकारी बता दीजिए? पुलगांव थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर बीती रात मंगलवार के करीब 1 से 1.5 बजे के बीच में ललित साहू, जो कि भिलाई स्टील प्लांट में इसी गाड़ी को ठेके पर चलाते थे और खुद चालक थे, और इसमें खाना खाने के पश्चात तो वापस जब अपने बोरसी निवास की ओर जा रहे थे तो छोटे पुलिया का इस्तेमाल कर रहे थे। इस बीच गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई, जिसके फलस्वरूप इस पे सवार ललित साहू, उनके साथ एक महिला और 2 बच्चियां जो कि लगभग 9 से 10 वर्ष की हैं, वो चारों की इसमें डूबने से मौत हो गई।
और अभी SDRF की टीम के साथ इस बॉडी और चारों बॉडी और गाड़ी को निकाला गया है। अभी PM के लिए भेजा गया है, बाकी वैधानिक कार्रवाई तक से की जा रही है। जी, पुल को सर परमानेंट आप लोग बंद कर दिए हैं? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर टेम्प्ररी बंद करने के लिए स्टॉपर लगा के रखते हैं, और जब पानी खतरे के स्तर पर होती है तब हम बल लगाते हैं, और बाकी समय में हम यहाँ पर स्टॉपर लगा कर रखते हैं। लेकिन लोगों के द्वारा यहाँ पर स्टॉपर हटाकर मूवमेंट किया जाता है, जो कि खतरनाक है। हम PWD के साथ मिलकर इसको कोशिश करेंगे परमानेंट यहाँ पर कोई स्टॉपर लगाएं, जिससे मूवमेंट ही ना हो सके। सर, एक आपने कड़ी कार्रवाई की, एक चालान भी कर दिया देखेगा सामने आपके। निश्चित तौर पर लोगों को समझाइश देने के बावजूद नहीं समझ रहे हैं, तो चालान की कार्रवाई भी आवश्यक है। यहाँ पर हम लोगों ने एक गाड़ी जो कि अभी समझाइश देने के बावजूद मूवमेंट कर रहे थे, उनको चालान किया। लगभग रात में 1:15 के आसपास की घटना है, और रात में 1:00 के आसपास हमें सूचना मिली कि नाथगांव की तरफ से एक बुलेरो नुमा एक डिग्गी वाली कार है जो सुनाथ नदी में गिर गई है, और रात में ही हमने अपनी तैयारी कर ली थी। सुबह 4:00 हम वहाँ से रवाना हो गए थे, 5:00 से हमने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया था, और लगभग 6:00 के आसपास हमने कार बरामद कर ली थी, और फिर कार को हम खींचे किनारे लाए और हाइड्रा को बुला के, और अभी हमने फाइनली जो है निकाल लिया है, और उसमें 4 लोग हैं। एक ललित साहू करके व्यक्ति हैं जो बोरसी के रहने वाले हैं, और उनके 2 बच्चे हैं, और एक महिला जो है वो अज्ञात हैं, अभी उनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। कुल 400 बरामद हुए हैं। कार पिछले साल जहाँ पे पिछली वाली जो कार गिरी थी, लगभग उसी के आसपास अभी वो भी कार गिरी थी, और लगभग 50-60 मीटर दूर पे ही कार थी। और अच्छा, परिवार में कौन कौन था, क्या नाम था, कहाँ से, कहाँ निवास करते हैं? ये बोरसी के रहने वाले थे, इनके पिताजी अभी आए हुए थे, और 2 बच्चियाँ इनकी थी, और पत्नी का तो शायद उनके घर पे हैं, लेकिन वो महिला कौन है उसके बारे में नहीं है। 2 बच्चियाँ और ललित साहू, ये तीनों समाप्त हुए, मतलब गेज हुए हैं, और महिला के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट। सनातन धर्म के अपमान से आक्रोशित भाजपाइयों ने दुर्ग के पटेल चौक में पुतला दहन कर आक्रोश जताया। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार कांग्रेस नित गठबंधन के नेता उदयगिरी स्टालिन द्वारा सनातन धर्म के अपमान के विरोध में दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में दुर्ग के पटेल चौक पर उदयगिरी स्टालिन का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिन और वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ संपूर्ण मानव जाति और विश्व के कल्याण की कल्पना करता है। ऐसे महान और विशाल हृदय वाले विराट सनातन धर्म के विरुद्ध अनुचित कथन कहने वालों को सनातन धर्म प्रेमी कभी क्षमा नहीं करेंगे। साथ ही जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कांग्रेस नित गठबंधन के सहयोगी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के आपत्तिजनक बयान पर भी कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। इस मौके पर पुतला दहन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सनातन धर्म के प्रति कांग्रेस पार्टी के रुख को स्पष्ट करने की मांग भी की गई। उदयगिरी स्टालिन ने सनातियों के विरुद्ध बहुत ही निम्न स्तर बयान दिया है, उसके विरोध में आज दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु एवं बहनों ने दुर्ग के हृदय स्थल पटेल चौक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उस निम्न स्तर बयान देने वाले स्टाइलिस्ट के तीनों व्यक्ति के पुतला दहन किए हैं, और निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध अपन FIR भी एप्लीकेशन लगाएंगे और उस पर उचित कार्रवाई की मांग करता हूँ। कथनी और करनी में दोनों में बहुत अंतर है। अलायंस तो मिला के ही किए हैं, उनके साथ मिली जुली सरकार में इन लोगों का भी हिस्सेदारी है। तो किनारा कर लिया था उन लोगों ने, कब किया है हमको अभी तक जानकारी नहीं है, है लेकिन उन लोग हर बार विरोध ही करते हैं, दोयाम दर्जा करते हैं, चुनाव के राजनीति के तरफ ध्यान देते हैं। अगर वैसा नहीं होता तो कई ऐसे मामले हैं, जम्मू कश्मीर का मैटर, आज जो धारा 370 है किसके कारण हो, कितने साल तक रुके रहे, तो उसके लिए कांग्रेस ही दोषी है कि नहीं है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर 300 साल से ज़्यादा समय लग गए, क्यों लगे? कांग्रेसी लोगों ने आज़ादी के बाद में लगातार राज किए, क्यों नहीं सुलझा नहीं पाए? ठीक है, प्रदेश आह्वान पे आज युवा मोर्चा द्वारा आज पुतला दहन किया गया। ये मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनके द्वारा, उनके बेटे द्वारा
हिंदू समाज को, जो सनातन समाज को खत्म करने की बात कही गई, उसके विरोध में आज ये पुतला दहन किया था। ये आगे हम लोग मांग करते हैं कि पर एफआईआर दर्ज हो, उनको जेल डाला जाए। इस तरह के जो सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का जो काम किया है, जरा ही निंदनीय काम है, उनको तुरंत जेल डाला जाए। और सनातन धर्म इस तरह के अपमान का बदला लेगी और उनको माफ़ी मांगना चाहिए अपने बयान से। बस यही मांग करती है भारतीय जनता। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र में वार्ड 7 विश्व बैंक कॉलोनी में 98 लाख रुपए की लागत से बनने वाले RCC रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन निगम महापौर निर्मल कोसरे ने किया। इस मौके पर वार्ड पार्षद संतोष तिवारी सहित वार्ड वासी मौजूद रहे। नगर निगम भिलाई चरोदा में जन भावना के अनुरूप विकास कार्यों को साकार किया जा रहा है। इसी कड़ी में महापौर निर्मल कोसरे ने वार्ड 7 विश्व बैंक कॉलोनी में RCC रोड निर्माण के लिए भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ करवाया। विश्व बैंक कॉलोनी के सेक्टर 1 और 2 में RCC रोड का निर्माण लगभग 88 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। महापौर निर्मल कोसरे और वार्ड पार्षद संतोष तिवारी ने बताया कि विश्व बैंक कॉलोनी में सड़क निर्माण की पुरानी मांग लंबे समय से रही थी। इस सड़क के बन जाने से कॉलोनी के लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतें नहीं होगी। नगर निगम भिलाई चरोदा में लगातार जो विकास के कार्य है वो किए जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने विश्व बैंक कॉलोनी में 98 लाख रुपए की राशि से CC रोड के लिए भूमि पूजन किए। वार्ड वासियों ने बताया कि 25 साल से वो लोग रोड के लिए तरस रहे थे और काफ़ी जनप्रतिनिधियों को उन लोगों ने मांग किया, लेकिन 25 साल बीत जाने के बाद भी उन लोग को मूलभूत की सुविधा नहीं मिली थी। मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मेरे हाथ से उनका आज भूमि पूजन हुआ और 98 लाख रुपए की राशि से सेक्टर 1 और सेक्टर 2 के विश्व बैंक कॉलोनी में आज CC रोड का निर्माण किया जाएगा। आज विश्व बैंक कॉलोनी वार्ड क्रमांक 7 में CC रोड निर्माण का भूमि पूजन का कार्य का भूमि पूजन किया गया है। इस क्षेत्र की जनता की बहुत प्रतीक्षित मांग थी और विगत 10 साल से लोग बहुत प्रताड़ित थे और यह मांग आज माननीय महापौर के सौजन्य से पूर्ण हो रहा है और जिसमें काफ़ी प्रयास हम सभी लोगों का रहा। मैं इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनकी जो बहुत डिफिकल्ट मांग थी उसे आज पूरा किया जा रहा है। मैं उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितने का भूमि पूजन किया? ये 98 लाख का भूमि पूजन है। इसमें सेक्टर 1 सेक्टर 2 चारों ब्लॉकों में सीमेंटीकरण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। इस अवसर पर निगम के जनप्रतिनिधियों के सहित वार्ड के लोग शामिल रहे। टेक ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरे पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्तरोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्त रोग, बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध।
पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023-24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882229714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077111, 7773077122। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जी रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 1 के बाद आप सबका स्वागत है। जिले की यातायात पुलिस ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में यातायात पाठशाला जन जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत 36 स्कूलों के हजारों छात्र छात्राओं व शिक्षकों को यातायात के नियमों की जानकारियां दी गई। पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश एवं DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर, सदानंद विंध्यराज के नेतृत्व में चलाए जा रहे यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिले के 36 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय एवं प्राइवेट स्कूलों में यातायात पाठशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यातायात के DSP सतीश ठाकुर सहित यातायात के उप निरीक्षक, निरीक्षक सहायक, उप निरीक्षकों के द्वारा शिक्षकों की भांति 18,000 स्कूली छात्र छात्राओं को यातायात नियम संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। यातायात पाठशाला के तहत यातायात पुलिस के अधिकारियों द्वारा छात्र छात्राओं को यातायात नियमों का पालन न करने से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि जिले में प्रति वर्ष सड़क दुर्घटना में 300 लोग,
छत्तीसगढ़ राज्य में 5,000 लोग एवं देश भर में 1,50,000 लोग मारे जाते हैं, जो कि अत्यंत गंभीर विषय है। ऐसे ही सड़क दुर्घटनाओं से देश की कुल जीडीपी की 3% रकम 4,35,000 करोड़ का नुकसान होता है। यातायात पाठशाला कार्यक्रम की जानकारी डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। यातायात पुलिस द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर 36 स्कूलों का चयन किया गया था, शहरी और ग्रामीण, जहां पे हमारी अलग अलग टीम बनी हुई थी और वहां स्कूलों में जाके बच्चों को सभी और उनके टीचर्स को यातायात नियमों की जानकारी दी गई, क्योंकि ट्रैफिक में 4 ही रहता है, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और एमरजेंसी। उसके बारे में विस्तार से बताया गया, दुर्घटना के मूल कारण क्या है उसके बारे में बताया गया, और हेलमेट क्यों जरूरी है, सीट बेल्ट क्यों जरूरी है, यातायात नियमों का पालन करें इन सभी बातों का, और दुर्घटना होने पर जो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड सिमुलेटर उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। बच्चों ने काफ़ी रुचि लेकर उसको सुना है और निश्चित रूप से बच्चों लोग को जागरूक करने से उनके पेरेंट्स को बच्चों को बताएंगे तो जो आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है वो यातायात नियमों का भी पालन करेगी और अपने पेरेंट्स को भी पालन करने के लिए प्रेरित करेगी। कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालने के उपरांत उपस्थित छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें सर्वप्रथम यातायात के प्रमुख घटक 04E के बारे में बताया गया। साथ ही आते जाते समय सुरक्षा की दृष्टि से बरती जाने वाली सावधानियां, पार्किंग का स्थान, वाहन चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए एवं वाहन चलाने के नियम संबंधी जानकारियां दी गई। साथ ही सड़क में घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए शासन द्वारा जारी किए गए गुड सैमेरिटन की जानकारी प्रदान की गई। अंत में यातायात पुलिस के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करने शपथ दिलाई गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग की अध्यक्ष मनीष पांडे सेक्टर 4 में जहां टंकी गिरी थी वहां की यथास्थिति से अवगत हुए। उन्होंने दौरे के दौरान पानी के लिए किए गए वैकल्पिक व्यवस्था को देखा और क्षेत्रवासियों की समस्याओं को दूर करने कहा। साथ ही सेक्टर 2 में तेजी से मिल रहे डेंगू के मरीजों पर चिंता जताई एवं उनके उपयुक्त कार्रवाई करने का आग्रह भी शासन प्रशासन से किया। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और बहुत वर्षों से लोगों का यहाँ कंप्लेन था कि टंकी जर्जर हो चुकी है। उसके बाद भी शासन का, प्रशासन का और बीएसपी प्रबंधन का कोई इस तरफ ध्यान नहीं गया। ये सबसे इसमें अहम बात ये रही कि किसी के जान माल की कोई त्रासदी नहीं हुई और पर लोगों को अभी हम लोग पूरे जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हैं, सभी लोग घरों तक जा रहे हैं, स्ट्रीट तक जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बीएसपी प्रबंधन और सभी लोग इसमें जुटकर पानी टंकी के माध्यम से टैंकर सभी स्ट्रीटों में घूम रहा है। और हमने सीओ से ये मांग की है भिलाई स्टील प्लांट के कि 2 वक्त का पानी मिले और तात्कालिक लोहे वाला जो टंकी है वो यहाँ पर हो चुका है टंकी, वहाँ पर भी आप व्यवस्था अभी से सुनिश्चित कराएँ, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखिए, ये तो एक लापरवाही है कि अभी 100 से ज़्यादा यहाँ पे केसेस हो चुके हैं और उसके बाद भी निगम प्रशासन या प्रशासन अभी तक जगह नहीं है। प्रत्येक व्यक्तियों को 40 से 50 हज़ार रुपये लग रहे हैं। मैं ये मांग करता हूँ कि यहाँ के सभी अस्पताल फ्री किए जाएँ, गरीबों के लिए अस्पताल फ्री हों और उस माध्यम से इलाज हो। मंगलवार को सेक्टर 4 की 2 पानी टंकी जो जर्जर हो चुकी थी भर भरा कर धराशायी हो गई, जिसे देखते हुए बीएसपी प्रबंधन होश में आ चुका है और अब सभी टाउनशिप क्षेत्रों में जर्जर हुए टंकियों का मुआयना करने के बाद टंकियों के आसपास रहने वाले लोगों को क्षेत्र खाली करने कहा जा रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार के दिन भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 4 इलाके में 2 जर्जर पानी की टंकियां भर भरा कर गिर गईं। यह तो भगवान का शुक्र है कि इनमें किसी जान माल की हानि नहीं हुई, परंतु एक चीज अच्छी हुई कि बीएसपी प्रबंधन अब होश में आ गया है और अब अपने टाउनशिप क्षेत्र की सभी जर्जर हुई पानी की टंकियों के आसपास रहने वाले लोगों को वहां से हटाने की हिदायत दे रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में बुधवार को नगर सेवाएं विभाग के अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान बड़ी मात्रा में सेक्टर 6 साईं मंदिर के सामने फूलों का व्यापार करने वाले लोगों के पास पहुंचे और वहां उन्हें 1 दिन का समय दिया और कहा कि अपनी दुकान अन्यत्र जगह जहां आपको अच्छा लगे वहां शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि साईं मंदिर के सामने बनी टंकी भी जर्जर हो चुकी है।
इस पर फूर व्यापारी संघ के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के पूर्व पार्षद की अगुवाई में व्यापारियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें सभी व्यापारियों ने नगर प्रशासन विभाग साथ देना ही उचित समझा और उनका कहना है कि जान रहेगी तो व्यापार करेंगे, परंतु एक दिन का समय काफ़ी नहीं है, इसलिए वह नगर सेवाएं विभाग से दो दिन की मोहलत और मांगने का इरादा बना रहे हैं। इस मीटिंग में शामिल पूर्व पार्षद सूर्यकांत सिन्हा भी फूल व्यापारी संघ के लोगों का पूर्ण सहयोग करने की बातें कह रहे हैं। नोटिस वगैरह नहीं दिए हैं, बातचीत वगैरह सब साहब लोग आए थे, स्टेट वाले आए थे, तो हम लोग उसको जहाँ तक साहब लोग बोले कि इस एरिया को हटा लो, तो हमारे सब दुकानदारों को हम लोग वहाँ से हटा रहे हैं, और जैसे हमारी कोई दुकान है तो उसमें जगह दे रहे हैं या फिर आगे में जो जगह है वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। 15 दुकान है करीब, पीछे उधर साइड 10-15 दुकान है, इधर करीब 15 दुकान है, तो इसको भी हटा लेंगे हम लोग और दूसरी जगह बाजू में चर्च के सामने शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं देखिए, पानी टंकी है तो फिर से बनेगा, वो जैसे साहब लोग बोल रहे हैं कि ये बन सकता है फिर से, जैसे बनेगा उसके बाद फिर लोगों को इधर शिफ्ट कर देंगे। जी टेम्प्रोरी टाइप का, जी दुकानें भी हमारी टेम्प्रोरी है, इसलिए हम लोग टेम्प्रोरी टाइप का इधर शिफ्ट कर रहे हैं आधे लोगों को। आधे लोग? जी आधे लोग, जहाँ तक उन्होंने चिन्हांकित किया हुआ है कि यहाँ तक आपको हटाना है करके, क्योंकि जान माल का खतरा है, तो हम लोग भी बोल रहे हैं कि ठीक है अपन लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो आधे लोग जो प्रभावित हो रहे हैं उनको उधर शिफ्ट करें बाजू में चर्च के साइड में। देखिए क्या है, जान से तो बढ़कर नहीं है धंधा, है ना, जान रहेगा तभी तो धंधा करेंगे। तो आप जी, मैं ये बताऊंगा कि अभी पिछले दिनों विगत दिनों सेक्टर 4 में एक बड़ी टंकी पानी की वो गिरी, और ये हम लोग सबका ईश्वर की कृपा है, वहाँ किसी तरह की जनमाल की नुकसान नहीं हुई, और उसी को देखते हुए कल एक हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें महापौर विधायक जी और हम लोग सब शामिल थे। वहाँ एक निर्णय लिया गया कि ऐसे जितनी भी पानी टंकी या ऐसे भवन हैं जो क्षतिग्रस्त हैं जिससे नुकसान बड़ा हो सकता है, उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ से प्रभावित लोगों को हटाया जाए, विस्थापित किया जाए। उसी के तारतम्य में आज एक टीम यहाँ आई थी, सर्वे टीम, उसके द्वारा निर्णय लिया कि ये पानी टंकी भी खतरे की दृष्टि से काफ़ी गंभीर दिख रही है, इसलिए कुछ फूल वाले जो हैं जो उस प्रभावित क्षेत्र के इर्द गिर्द आते हैं उनको वहाँ से विस्थापन के लिए कहा गया। ये फौरी तौर पर एक वैकल्पिक व्यवस्था है, वहाँ से परमानेंट उनको हटाने के लिए नहीं कहा गया है। तो हम लोग सब आपसी सहमति से कुछ दिनों के लिए, जब तक नई टंकी वहाँ पर निर्मित नहीं हो जाती तब तक के लिए एक व्यवस्था बना रहे हैं आपसी चर्चा करके एक सहमति से, ताकि किसी फूल वाले का ना तो जनमाल की हानि हो ना ही उसके व्यवसाय रोजी रोजगार में नुकसान हो, एक व्यवस्था बनाने के प्रयास कर रहे हैं सबकी सहमति से। एक तरफ जहाँ BSP प्रबंधन सेक्टर 2 में मिलते डेंगू के मरीजों को लेकर परेशान है, तो वहीं अब उनके सामने जर्जर पानी की टंकियाँ एक समस्या बनकर सामने आ गई हैं, और इस समस्या के समाधान के लिए BSP प्रबंधन हरकत में आ चुका है और युद्ध स्तर पर कार्य भी शुरू कर दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वृंदानगर में जाम नालियों की सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों के दल को लगाया गया है। यहां वर्षों से जाम नालियों की सफाई नहीं होने से बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ था। वर्षों से नालियों की साफ सफाई नहीं किए जाने की वजह से गंदे पानी की निकासी का अभाव बना हुआ था। यह स्थिति वार्ड 29 वृंदानगर में बनी थी। कुछ स्थानों में लोगों द्वारा नालियों के ऊपर स्लैब बना लिए जाने की वजह से गंदे पानी की निकासी का लगातार अभाव बना था। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा वार्ड पार्षद संजय सिंह से की गई, जिसके बाद वार्ड पार्षद ने वृंदानगर में वृहद रूप से नालियों की सफाई कार्य को शुरू करवाया। नालियों की सफाई करने सफाई कर्मचारियों की गैंग को वार्ड में लगाया गया। वृंदानगर के अनेक स्थानों से नालियों में जमे कचरे और गंदगी को निकाला गया, जिन्हें निगम के डंफरों के माध्यम से निर्धारित जगह पर फेंका गया। नालियों से गंदे पानी की निकासी के अभाव में हल्की सी बरसात में ही वार्ड में जल जमाव की स्थिति निर्मित होती थी, जिससे पैदल चलने वालों के साथ ही वाहनों से आवाजाही करते लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ता था। नालियों की सफाई के उपरांत अब गंदे पानी की निकासी शुरू हो चुकी है। साथ ही वार्ड पार्षद संजय सिंह ने लोगों से नालियों में कचरा नहीं फेंके जाने की अपील की है। सफाई कार्य की जानकारी वार्ड 29 के पार्षद संजय सिंह ने दी। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे नालियाँ जाम थी, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी और डेंगू भी जगह जगह फैल रहा था। उसको देखते हुए हम लोग अभी कंटिन्यू वार्ड में हर जगह सफाई कर रहे हैं। पानी का भी स्तर निकल रहा है, जो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे रुका हुआ था। दवाई भी डाल रहे हैं और ये पूरे वार्ड में भी देख के जगह जगह जहाँ पुराने नालियाँ हैं, जमी हुई है, नहीं निकल पा रहा है, सबको साफ कर रहे हैं और ये निरंतर चलते रहेगा। और वार्ड के विकास में निरंतर हम लोग सहयोग कर रहे हैं, लोगों का भी सहयोग मिल रहा है
और अभी स्वास्थ्य विभाग से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी अब काफ़ी मजदूर भेजे और सफाई चल रही है अभी। ये व्यवस्था ऐसा कि बहुत पहले से ही ऐसा नाली बनाया गया है कि वो उसका डाउन नहीं है, वो एक जगह स्थिर हो जाती है नालियां जो पुरानी बनी हुई है, और कई सारी नालियां तो ऐसी है 20 साल 25 साल से नहीं बनी है, फिर भी उसको कोशिश कर रहे हैं कि जो उसमें कचरा है उसको निकाल के हम लोग पानी का स्तर निकले वहाँ से। गौरतलब है कि नगर निगम के अधिकांश वार्डों में रसूखदारों सहित अन्य लोगों द्वारा नालियों पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे नालियों का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। गंदे पानी की निकासी के अभाव में वार्डों में जल जमाव की स्थिति बनती है। नालियों से अतिक्रमण हटाने पूर्व में नगर निगम द्वारा अभियान शुरू तो किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे बीच में ही बंद कर दिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे। शहर में प्रतिदिन डेंगू पीड़ितों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसकी चपेट में आए अनेक मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से घर भी लौट चुके हैं। डॉक्टर के मुताबिक सावधानी बरतकर डेंगू से सुरक्षित रहा जा सकता है। जिले के स्वास्थ्य महकमे की तमाम कोशिशों के बावजूद शहर में डेंगू का प्रकोप फैलता ही जा रहा है। कुछ सावधानियों को नहीं अपनाए जाने के कारण ऐसी स्थिति बनी है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिकली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SP केशरवानी के अनुसार सावधानियां अपनाकर डेंगू से सुरक्षित रहा जा सकता है। इस रोग का प्रमुख कारण मच्छर है। डॉक्टर केशरवानी ने बताया कि डेंगू का लक्षण प्रतीत होते ही तुरंत चिकित्सक की सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है। लापरवाही आगे चलकर गंभीर परिणाम में बदल सकती है। डेंगू होने के कारणों और बचाव को लेकर SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिकली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SP केशरवानी ने जानकारी दी। मैं डॉक्टर SP केशरवानी, SR हॉस्पिटल चिकली दुर्ग। अभी बरसात का सीजन चल रहा है और पूरे ज़िले में डेंगू का प्रकोप जो है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये जो बीमारी है डेंगू एक वायरल फीवर है और मच्छर जो एडिस नाम का मच्छर होता है उसके काटने से होता है, और ये मच्छर का प्रकोप क्योंकि बरसात में ज़्यादा रहता है इसलिए इसका महामारी के रूप में ये ज़िले में फैल रहा है। तो डेंगू के बारे में थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि ये एक वायरल फीवर है, और जैसे किसी को डेंगू की बीमारी होती है उसे अचानक ही बहुत तेज बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, जी मतलेगा, उल्टियाँ होंगी, जोड़ों में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, और शरीर में चत्ते चत्ते पड़ेंगे, नाक से भी खून बहने की संभावना रहती है, खून का पेशाब, क्योंकि ब्लीडिंग टेंडेंसी रहती है, प्लेटलेट काउंट शरीर में कम हो जाता है, इसलिए पूरी ब्लीडिंग टेंडेंसी के कारण शरीर में विभिन्न अंगों से रक्त स्त्राव होने की संभावना जो है इससे बढ़ जाती है। तो नाक से खून बहेगा, खून का पेशाब हो सकता है, पूरे शरीर में स्किन में चत्ते चत्ते आ सकते हैं। यदि ब्रेन में ऐसी ब्लीडिंग होती है, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग होती है, तो बेहोशी की भी संभावना बनी रहती है। कुल मिलाकर डेंगू जो है बहुत खतरनाक बीमारी है, और इसमें यदि ढंग से सपोर्टिव ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मृत्यु की संभावना भी बनी रहती है। जहाँ तक इससे बचने का सवाल है तो अपने को मच्छर के प्रकोप से बचना चाहिए, तो घर के आसपास जो है वो जमा हुआ पानी इकट्ठे ना होने दें, और मच्छरों से बचने के लिए शरीर को मतलब फुल शर्ट जैसे पहने और मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छर को मच्छर ना काटे इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो दो अगरबत्तियां जैसे कछुआ इस टाइप का उपयोग करें, ओडोमास का क्रीम जैसे वो लगा सकते हैं। कुल मिलाकर घर के आसपास साफ सफाई रखें तो इससे इस बीमारी से बहुत कुछ बचाव किया जा सकता है। जैसी ही आपको जैसे मैंने लक्षण बताया है यदि वो प्रारंभ होता है तो आप तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क करें, और आवश्यकता होने पर या आप को मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, और विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट होते हैं काफ़ी प्रकार के टेस्ट होते हैं इसमें,
जनरल ब्लड टेस्ट से मिलाकर फिर एलिजा टेस्ट और आईजीएम और भी अन्य प्रकार के टेस्ट होते हैं वो आपको करवाने पड़ते हैं। और प्लेटलेट की मात्रा चूँकि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो प्लेटलेट भी चढ़ाना पड़ता है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो उसके लिए अति आवश्यक है कि आप अस्पताल में मरीज को भर्ती करा दें और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। गौरतलब है कि सन 2018-19 में डेंगू के प्रकोप के दौरान जिला प्रशासन के सहयोग से SR हॉस्पिटल ने डेंगू पीड़ितों का सफल उपचार किया था। किसी तरह की कैजुअल्टी नहीं हुई थी। यहां से सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदापुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदापुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, S और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सबसे ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। Thank you.
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिलाई 3 की कन्याशाला में नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे स्कूल परिसर में निर्माण होने वाले स्मार्ट टॉयलेट कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य सहित छात्र छात्राएं शामिल रहे। भिलाई 3 के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में मॉडल टॉयलेट निर्माण की सौगात निगम महापौर ने दी है। भिलाई चरोदा में जन भावना के अनुरूप विकास कार्यों को साकार किया जा रहा है। महापौर निर्मल कोसरे ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला भिलाई 3 में मॉडल टॉयलेट निर्माण के लिए भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ करवाया। साथ ही कन्या शाला में 6 लाख रुपए की लागत से मॉडल टॉयलेट बनाया जाएगा। इसे लेकर महापौर और शाला की प्राचार्या ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल रही है कि जितने भी हमारे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल को एक अच्छा हम लोग बनाए ताकि हमारे यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को अच्छा माहौल मिल सके। उसी कड़ी में आज यहाँ पर मॉडल टॉयलेट का हम लोग निर्माण करने के लिए नींव रखे हैं। मॉडल टॉयलेट का जो स्वरूप है, जैसे एयरपोर्ट में और बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, विभिन्न मालों में जिस तरह से टॉयलेट का निर्माण होता है, उसी तरीके से हमारे नगर निगम क्षेत्र में मैंने अभी 8 स्कूलों में मॉडल टॉयलेट की शुरुआत की है। उसी कड़ी में कन्याशाला भिलाई 3 में भी हम लोग मॉडल टॉयलेट की यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपना कल शिक्षक दिवस समारोह में वक्तव्य दिया, उसमें भिलाई 3 का नाम का भी उन्होंने जिक्र किया, और इसी कड़ी में हम लोग मॉडल टॉयलेट का निर्माण कर रहे हैं। स्कूल में और भी जो भी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होगी, बच्चों को अच्छा हम लोग वातावरण बना सके, इसके लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूंगा। और मेरे नगर निगम क्षेत्र के न केवल भिलाई 3 का स्कूल, अभी तो पूरे 34 स्कूल, पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में मॉडल बने, ये मेरा प्रयास होगा। आज हमारे स्कूल में मॉडल टॉयलेट का भूमि पूजन हुआ, और इसके लिए हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। CM सर का भी धन्यवाद है, और ये बहुत बच्चों की एक आवश्यकता थी जो मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत पूर्ण होती है। इसलिए मैं दोनों को, महापौर सर को और मुख्यमंत्री सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, निगम के अधिकारियों सहित स्कूल की छात्राएं शामिल रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सेवा रेलवे सुविधा को समाप्त करने का साजिश रच रही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वर्षों से भारतीय रेलवे आम जनता का भरोसेमंद, सस्ता और सुलभ परिवहन का पर्याय हुआ करता था, जिसे मोदी राज में रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म करके निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। देश की आजादी के बाद ऐसी स्थिति केवल मोदी सरकार में आई है, जहां रेलवे की यात्री सुविधाएं इतनी ज्यादा खस्ताहाल हो गई है। रेलवे सुविधाओं की बहाली के लिए कांग्रेस ने आंदोलन करने का ऐलान किया है। प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता आयोजित की जाएगी, लोगों को बताया जाएगा कि रेलवे को किस प्रकार से बर्बाद करने की, निजीकरण करने की साजिश रची जा रही है। साथ ही 9 सितंबर को भी सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण रेलवे के दफ्तरों में, जिला प्रशासन के दफ्तरों में ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री जी के नाम आह्वान करेंगे कि रेलवे की जो सुविधाएं है उसको तत्काल बहाल की जाए। साथ ही 10, 11, 12 सितम्बर को कांग्रेस पार्टी पोस्टर अन्य जनजागरण के माध्यमों से जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर जाएगी, और उसके बाद भी यदि केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो 13 सितम्बर को कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के समस्त रेल स्टेशनों पर रेल रोको आंदोलन करेगी। साथ ही यहाँ परीक्षा के समय पिछले 4 साल में लगातार ट्रेनों को निरस्त किया जाता है। क्या सारा दिन केंद्र इसी समय होता है? क्या कोयले की सारी कमी इसी समय होती है? एक टाइमिंग क्या दरअसल ये सारी सची जा रही है कि रेलवे से आम जनता ऊब जाए, लोग रेलवे के विकल्प के रूप में दूसरे साधनों का उपयोग करने लगे, और रेलवे को गौतम अडानी को बेचने की जो सारी है वो अपनाता हो। यही नहीं, रेलवे ने आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने रेलवे का अलग बजट बनाया। रेलवे का बजट हमेशा घाटे में भी रहा करता, उसके बावजूद भी देश की जीवन रेखा है रेलवे, इसलिए समस्त केंद्र सरकारों ने रेलवे को सब्सिडी दिया, रेलवे को पोषित किया, रेलवे सुविधाओं को बढ़ाते रहे। रेलवे बुजुर्गों के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी गई, उनको छूट दिया जाता था, दिव्यांगजनों को छूट दिया जाता था। ऐसे लोग जो कि रेलवे की सुविधा के हकदार हैं, जिन्हें शासन की व्यर्थ
मोदी सरकार ने इन सारी रियायतों को बंद कर दिया। कोरोना काल का बहाना किया गया, कोरोना के समय रेलवे के प्लेटफॉर्म में टिकट को बढ़ाए गए। आज कोरोना को बीते वर्ष हो गए, कोरोना के समय भी सारी बंदिशें समाप्त कर दी गई। रेलवे के द्वारा दी जा रही छूट को बंद किया गया, तो उसे बहाल नहीं किया गया। रेलवे का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, रेलवे का उद्देश्य है देश के लोगों को, देश के हर भाग को एक दूसरे से जोड़ना, देश के लोगों की यात्री सुविधाओं को जिंदा रखना। निश्चित तौर पर इसके लिए यात्री भाड़ा के साथ साथ माल भाड़ा भी परिवहन किया जा रहा है। आप मेंटेनेंस होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं आजादी के बाद रेल का अभी मेंटेनेंस नहीं हुआ, इसलिए यात्री ट्रेनों को बंद कर दिया। अरे भैया, 50 गुना ज्यादा क्षमता की माल वहाँ रेल से बदल रही हो, उससे 50 गुना क्षमता की यात्री ट्रेन दूसरे की तो मेंटेनेंस गड़बड़ हो जाएगा। मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही समझदार है, बाकी पूरे देश के लोग। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 5 अपना रेल मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ की रेल सुविधाएं तो बाधित हो गई, उसको बहाली के लिए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद छत्तीसगढ़ के जनता के हक में आवाज नहीं उठा रहा है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जन सरोकारों के इस विषय आपसे जुड़े हुए इस मसले, हमसे जुड़े हुए इस मसले, आम आदमी से जुड़े हुए इस मसले, आज हर आदमी को अपने व्यक्तिगत निर्णय करके खुद निर्णय करके अपने गंतव्य पर नहीं जा सकता। हर आदमी तो हवाई जहाज की सुविधा उपभोग में ला सकता है। यात्री रेल की सबसे बड़ा विकल्प होता है आम आदमी का, मध्यम वर्ग का, गरीब आदमी। इसकी जो बर्बादी केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, अडानी को सौंपने की जो साजिश की जा रही है, इसके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बैज जी ने निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाए। ये तो अडानी के लिए चलाई जाने वाली सरकार है, देश की जनता का, भारत के लिए, भारत के लोगों का, भारत के लिए चलाई जाने वाली सरकार नहीं है। अडानी का, अडानी के लिए, अडानी के द्वारा संचालित की जाने वाली मोदी सरकार वर्तमान में है। आम आदमी पार्टी ने दुर्ग स्टेशन रोड पर बने डिवाइडर को हटाने अपनी आवाज बुलंद की, पैदल रैली निकाला और जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दुर्ग शहर के स्टेशन रोड में बने डिवाइडर को हटाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉ. एस के अग्रवाल, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष RTI विंग मेहरबान सिंह के नेतृत्व में पैदल रैली निकालकर आक्रोश जताया गया। इस मौके पर पदयात्रा रैली में डिवाइडर हटाने की मांग की गई, साथ ही डिवाइडर हटाओ व्यापार बचाओ का नारा लगाया गया। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर एस के अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2018 में ये डिवाइडर बना था। चुनाव के समय दुर्ग शहर विधायक ने वादा किया था कि सरकार में आते ही, चुनाव जीतते ही वह स्वयं इस डिवाइडर को हटा देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वायदे पर आज तक कोई अमल नहीं किया। इसी कड़ी में पार्टी के मेहरबान सिंह ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में भाजपा की सरकार में डिवाइडर बना। तत्कालीन जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षक की मौखिक आदेश पर ये डिवाइडर बनाया गया। डिवाइडर को बनाने के लिए 50 लाख रुपए की राशि DA फंड से ली गई थी। इसके अलावा रोचक तथ्य ये है कि बिना किसी टेंडर के इस डिवाइडर को बनाने का ठेका बिल्डर को दे दिया गया। 2018 चुनाव के पहले हमारे CSP थे पटेल साहब, उन्होंने आनंद फानन में यहाँ पर दुर्ग शहर की जो पतली सड़क है वहाँ पर भी डिवाइडर लगा दिया। डिवाइडर बिना किसी टेंडर के 50 लाख रुपए के DMF फंड से रिलीज किया गया, मौखिक आदेश था, कोई लिखित आदेश नहीं था। इस प्रकार से जो अनियमित कार्य, जो अनैतिक कार्य काम हुआ है दुर्ग शहर में, जिसके कारण से दुर्ग शहर का व्यापार नष्ट हो गया है। यहाँ पे छोटी सकड़ी सड़क है जहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उसके कारण पूरे व्यापारी त्रस्त है। इतना मार्केट से लेकर श्री शिवम महल तक हमारी मांग है, और अरुण वोरा ने कहा था कि जैसा मैं हमारी सरकार आएगी मैं अगले दिन इस डिवाइडर को तोड़ूंगा। उन्होंने 5 साल हो गया अभी तक उन्होंने कोई पहल नहीं की है। हमारी मांग है कि इस डिवाइडर को तुरंत तोड़ा जाए, और जो 50 लाख रुपए खर्च हुआ था उसमें अधिकारियों ने जो कि मौखिक आदेश दिया था उनसे वसूल किया जाए, ये हमारी मांग है। डिवाइडर को लेकर राजनीति गरमा रही है, देखना होगा किस तरह का निर्णय लिया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। माइलस्टोन एकेडमी खपरी में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर कक्षा 12वीं के छात्रों ने शिक्षक बनकर अपने से छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत नृत्य एवं गायन कर विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों को शुभकामनाएं दी।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनमोल वचनों को भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया। सभी शिक्षकों का अभिवादन कर समस्त विद्यार्थियों ने उन सभी शिक्षकों का आशीर्वाद लिया, साथ ही सम्मान किया। विद्यार्थियों के द्वारा सभी शिक्षकों को उपहार भी दिया गया। विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के लिए कुछ मजेदार खेलों का भी आयोजन किया था, जिसमें विजेता रहे शिक्षकों को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम की सफल समाप्ति पर शाला की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला एवं एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती शुभम शुक्ला ने समस्त विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना दिल से की। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।